वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पेरोक्सीसोम, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ, और हम जानेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलता है और उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और उस स्ट्रक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है। साथ ही साथ पेरोक्सीसोम जो होती है ये किस तरीके से वर्क करती है, फंक्शन करती है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए चल के समझते हैं पेरोक्सीसोम के बारे में। पेरोक्सीसोम स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। पेरोक्सीसोम की जब भी बात करते हैं तो पेरोक्सीसोम को डिस्कवर किया था क्रिस्टीन डी डुवा इन 1965, यानी 1965 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्रिस्टीन था, इनका पूरा नाम क्रिस्टीन डी डुवा था। इन्होंने ही पेरोक्सीसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था। अगर हम पेरोक्सीसोम की बात करते हैं तो जो पेरोक्सीसोम होता है ये स्मॉल मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनेल होता है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पेरोक्सीसोम एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल्स माना जाता है, बट ये कैसा होता है, स्मॉल मेम्ब्रेन एंड इंक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स होता है, जहाँ पे कई सारे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं और अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कराने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसमें कई सारी एनर्जिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं और ये आपकी अगर मॉर्फोलॉजिकली बात की जाए, यानी कि अगर हम ऊपरी बात करें तो ये बिल्कुल लाइसोसोम की तरह देखने में, अगर हम पेरोक्सीसोम की बात करें तो ये सिमिलर तो है ही लाइसोसोम की तरह, बट साथ ही साथ ये बिल्कुल उसी तरीके से एजेंबल है सेल में जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट आपके प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, और ये भी प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है और ख़ासकर ये फ्री राइबोसोम का सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है और इंपोर्ट करता है पेरोक्सीसोम इसे पॉलीपेप्टाइड चेन में, यानी कि जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं इनको कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स में इंपोर्ट कराने में। साथ ही साथ अगर पेरोक्सीसोम की बात करें तो इनके पास अपना कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, यानी कि ओन जीनोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी कि ओन जीनोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट ऐसा पेरोक्सीसोम में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से भी सिमिलर हैं और ये आपके रिप्लिकेशन ऑफ डिवीजन में हेल्प करते हैं। अगर इनके डायमीटर की बात करें तो अगर डायमीटर को देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर इनकी डायमीटर देखने की होती है, और जो पेरोक्सीसोम होती हैं उनमें कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी चलते हैं जिसे हम एंजाइम कैटालेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर H2O2+H2O2 इन अ प्रेजेंस ऑफ कैटालेस और ये कन्वर्ट होती है 2H2O+O2 मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये एंजाइमेटिक कैटालिटिक रिएक्शन से यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि पेरोक्सीसोम का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से देखने को मिलता है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल बॉडी होती है और ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें पेरोक्सीसोम की तो इनका जो ओरिजिनेशन हुआ है ये आपके ईआर रेटिकुलम से ही हुआ है, और ये ईआर रेटिकुलम जो है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये सभी एक तरीके का प्रॉक्सिमिटी फाउंड करते हैं। साथ ही साथ इनके कई सारे वेरिएबल साइज एंड शेप भी देखने को मिल सकते हैं सेल के अंदर, और ये एक तरीके का सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो पेरोक्सीसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है और उस मेम्ब्रेन को हम लिपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। अभी हम आपको नीचे स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे और समझाएंगे किस तरीके से। अगर इनके मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ग्रैन्यूल मैट्रिक्स और कई सारे क्रिस्टल कंटेंट्स करके रखे रहते हैं और इन्हीं में एंजाइमेटिक कैटालिटिक रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। आप सामने एक रॉ डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरीके से पेरोक्सीसोम का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चर माना जा रहा है। साथ ही साथ इस मेम्ब्रेन को हम लिपिड बायलेयर कहते हैं और ये बना होता है लिपोप्रोटीन्स का, और ये जो आपकी सरफेस होती है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, और बीच में जो क्रिस्टल कोर दिखाई दे रहा है इसी क्रिस्टल कोर में आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन या फिर एंजाइम कैटालाइज या ऑक्सीडेज रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके प्रोसीड होते हैं। हम जान पेरोक्सीसोम के फंक्शन के बारे में, तो आइए चल के देखते हैं कि सबसे पहला फंक्शन क्या है। अगर हम पहले फंक्शन की बात करते हैं तो ये एक तरीके का ऐसा एसेंशियल एंड नॉर्मल फंक्शनिंग देने वाला सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है और कई सारे एसेंशियल वर्क कराने में भी ये हेल्प करता है। साथ ही साथ जो पेरोक्सीसोम होता है दूसरा फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीडेटिव
या ऑक्सीडेशन जैसे प्रोसेस कराने में हेल्प करता है और ये लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स को बनाने में भी हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन की बात करें तो ये आपका ब्रेक डाउन करता है एसिड्स और जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं या फिर यूरिक एसिड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। साथ ही साथ हम पेरोक्सीसोम की बात करें तो ये मोर देन 15 एंजाइम को कंटेन करके रखता है और कई सारे कैटालिटिक एंजाइमेटिक रिएक्शंस को देता है। और ये जो पेरोक्सीसोम है आपके कैटालिटिक रिएक्शंस कराने में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं उन्हें वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पेरोक्सीसोम की बात करते हैं तो ये एक्सपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म में कोलेस्ट्रॉल को, एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके पास फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं और वो फॉस्फोलिपिड को हम प्लाज्मोलोजेन के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है ये ब्रेन में पाया जाता है या फिर हॉट टिश्यूज में देखने को मिलती है और ये आपके कई सारे ऑक्सीडेशन एंड ऑफ फैटी एसिड वाले प्रोसेस कराते हैं, जो कि बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और सेल को काफ़ी रेस्ट मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पेरोक्सीसोम की तो पेरोक्सीसोम जो होता है ये सीड के जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है और ये कई सारे आपके ग्लाइकोऑक्सीसोम्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में और लिपिड को शुगर में कन्वर्ट करता है। अगर हम जोम की बात करते तो ये कई सारे या फिर कह सकते हैं कि ऐसे इनहेरिटेंट डिजीज को भी कह सकते हैं कि फिगर आउट करने में हेल्प करता है, जैसे कि आपका माल फंक्शनिंग हो गया जिसके वजह से डेथ होने के चांसेस होते हैं, तो इन सब को रोकने में भी पेरोक्सीसोम का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। हमने अभी कवर किया पेरोक्सीसोम और हमने जाना पेरोक्सीसोम के फंक्शंस को और उनके स्ट्रक्चर्स को। ऐसे ही कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि हम जानेंगे राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड फंक्शंस के बारे में। और तब तक आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।